हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्ड रेल सिस्टम के बारे में, जो हम देखने वाले हैं एज पर उषा स्टैंडर्ड के हिसाब से। गार्ड रेल सिस्टम में हम जानेंगे टॉप रेल के बारे में, मिड रेल के बारे में, टो गार्ड के बारे में और उसके लोड कैपेसिटी के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गार्डरेल्स के बारे में। तो गार्डरेल जो है वो एक स्टेशनरी सिस्टम है, यानी कि एक फिक्स की गई सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल करके हम वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी वर्कर्स हाइट पर काम कर रहे हो तो वहाँ से नीचे गिरने से ये जो गार्डरेल सिस्टम है ये वर्कर को प्रोटेक्ट करती है। गार्डरेल्स जो है वो प्रीफर किया जाता है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सिस्टम जो है वो वर्कर के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं कि वो जो है वो वेल ट्रेन है या फिर उसका प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया गया है या फिर उसने जो है फॉल प्रोटेक्शन जो सिस्टम है वो पहना हुआ है। अगर हम गार्डरेल को अच्छे से अगर बिल्ड करते हैं, अगर बनाते हैं, तो उसके ऊपर हम रिलायबल हो सकते हैं और कन्वीनियंट हो सकते हैं एज अ फॉल प्रोटेक्शन करके, क्योंकि गार्डरेल जो है वो एक्ट करता है एज अ विजिबल और एक फिजिकल बैरियर करके, जो हमें मदद करता है ऊंचाई से नीचे गिरने से। अब वो ऊंचाई की लेवल कुछ भी हो सकती है, जैसे कि रूफ्स हो, बालकनीज हो, स्टेयरवेज हो या फिर ओपन होल्स हो जहां से गिरने का डर हो। गार्डरेल्स का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कवर्स हो, फ्लोर्स हो या फिर वॉल्स को हम वहां पर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो वहां पर प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो गार्डरेल्स जो है वो हर एक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट में गार्डरेल का इस्तेमाल होता है, वेयरहाउस में गार्डरेल का इस्तेमाल होता है, शिपिंग फैसिलिटीज जहां पर भी है वहां पर भी गार्डरेल का इस्तेमाल होता है, या फिर कोई भी ऐसा वर्क प्लेस जहां पर टॉप के रूप के ऊपर काम चलता हो तो वहां पर भी गार्डरेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि गार्डरेल और जो हैंडरेल होते हैं ये दोनों सेम होते हैं क्या, क्योंकि जब भी हम गार्डरेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हैंडरेल्स होते हैं, तो वो सेम है क्या? तो हैंडरेल को इसलिए सर्व किया जाता है ताकि आदमी जो है अपना हैंड जो है उसके ऊपर होल्ड कर सके, उनको खुद को एक सपोर्ट मिल सके ताकि वो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, स्टेयर के ऊपर से आ सके या फिर जा सके, रैम्प्स के ऊपर से नीचे से ऊपर आ सके या फिर जा सके। लेकिन गार्डरेल्स जो है उसको हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि पर्संस को वहां से फॉल होने से प्रिवेंट किया जा सके, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड एज हो या फिर ओपनिंग्स हो उसको हम गार्डरेल प्रोवाइड करते हैं ताकि वहां से आदमी जो है वो नीचे ना गिर सके, उसको प्रिवेंट किया जाए, इसलिए हैंडरेल को डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गार्डरेल और हैंडरेल जो है ये दोनों सेम नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो पर्पोज है वो अलग अलग होता है। चलिए बात करते हैं फॉल प्रोटेक्शन गार्डरेल सिस्टम के बारे में। तो गार्डरेल सिस्टम में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है टॉप रेल, दूसरा है मिड रेल और तीसरा है टो बोर्ड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो एज पर ओशा स्टैंडर्ड टॉप रेल जो है वो हमें वर्किंग प्लेटफॉर्म हो या फिर वॉकिंग प्लेटफॉर्म हो वहां से 34 इंचेस से लेकर 45 इंचेस तक हमें इंस्टॉल करना होता है, यानी कि 950 mm से लेकर 1200 mm तक हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये तो हो गई टॉप रेल की बात, अब जानते हैं मिड रेल के बारे में। तो मिड रेल जो है, जो हमारा गार्ड रेल सिस्टम है, तो उसका जो टॉप एज है और उसका जो प्लेटफॉर्म का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में हमें मिड रेल को लगाना होता है। यानी कि टॉप रेल की अगर हाइट 1200 mm है तो हम मिड रेल को 600 mm पर लगा सकते हैं, या फिर अगर हमने टॉप रेल की हाइट को अगर 1000 mm पर रखा है तो हम 500 mm में हमारा मिड रेल लगा सकते हैं, और एक रूल के हिसाब से हम मिड रेल को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि टॉप रेल और मिड रेल में जो गैप होती है वो 470 हमें रखनी है, और टो बोर्ड और मिड रेल में जो गैप होती है वो भी हमें 470 mm रखनी है, इससे ज्यादा गैप हमें नहीं रखनी है, क्योंकि वहां से पर्संस का फॉल होने का चांस होता है। चलिए अब जानते हैं टू बोर्ड के बारे में। तो टू बोर्ड की जो हाइट है वो हमें मेंटेन करनी होती है 3.5 इंचेस, यानी कि 90 mm, ये भी एज पर उषा के हिसाब से। लेकिन अगर हम एज पर TG20 स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसकी जो हाइट है वो हमें रखनी होती है 6 इंचेस तक, यानी कि 150 mm तक, जो ज्यादातर रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि ये हाइट के लिए एक सेफ प्रैक्टिसेस होती है। चलिए अब जानते हैं इस गार्डरेल सिस्टम के लोड कैपेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं टॉप रेल के बारे में। तो टॉप रेल जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी लोड कैपेसिटी होनी चाहिए 90 kg, और मिड रेल की लोड कैपेसिटी होनी चाहिए 66.60 kg, और टो बोर्ड की लोड कैपेसिटी होनी चाहिए 22.20 kg। तो ये जो लोड कैपेसिटी है ये एज पर उषा स्टैंडर्ड के अनुसार है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा गार्डरेल सिस्टम के बारे में जो हमने देखा एज पर ओशा स्टैंडर्ड के अनुसार। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।